हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पर्शियन कैट को। दोस्तों आज मैं आपको पूरी की पूरी पर्शियन कैट क्या होती है, वो कैसे आई दोस्तों, कहां से आई, हिस्ट्री और उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा पर्शियन कैट की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आए। अब जो है पर्शियन कैट का दो चीज़ हो चुका है दोस्तों। सब पहला जो है दोस्तों, इंडिया में जो है पर्शियन कैट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों, और सेकेंड बात दोस्तों, पर्शियन कैट जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में जो है मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये जो है इसको जो है वीडियो शूटिंग की आदत नहीं है दोस्तों, इसको जाने देता हूँ दोस्तों। ये जो है इसको वीडियो शूटिंग की आदत नहीं है और मेरे गोद में भी बैठने की इसको आदत नहीं है दोस्तों, इसीलिए जो है वो इस तरीके से कर रही है दोस्तों। नहीं तो इनका जो है नेचर दोस्तों बहुत ज़्यादा शांत रहता है दोस्तों। इसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। ये पर्शियन कैट जो है दोस्तों, ईरान के अंदर से जो है जो किंग्स लोग रहते थे उनके पास रहता था दोस्तों। जो किंग्स रहते थे वही जो है ये पर्शियन कैट पालते थे दोस्तों। उसे जो है इटाली के जो किंग्स लोग थे, किंग्स लोग को जैसे कि एज अ प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट के तौर पर जो है इटाली के लोग को दिए थे दोस्तों। 16th century के पहले जो है दोस्तों, जो पर्शियन कैट थे वो जो है ईरान के अंदर जो है उसका जो है ब्रीडिंग होता था दोस्तों, यानी कि उसको पैदा करते थे। और जो है 16th century के बाद जो भी जो है पंच फेस आया, जो भी पर्शियन कैट के जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी आए, वो सब जो है इटाली से आए दोस्तों। वहाँ से जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इनका जो है ये मिलना जो है अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों। अब इसका जो है इंडिया में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा अवेलेबल मिल रहे हैं दोस्तों, और बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं आप दोस्तों। पहले जो है बहुत ज़्यादा प्राइस में पर्शियन कैट मिलते थे दोस्तों। पहले जो है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजा लोग यानी कि किंग लोग जो है ये पर्शियन कैट अपने पास रखते थे, क्योंकि इनका जो नेचर रहता है दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत बहुत मस्त रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत एकदम जो है वो जो है एकदम साइलेंट नेचर के, एकदम शांत। तो आपको थोड़ा सताने भी लगेंगे तो इस तरीके से एकदम स्टैंडर्ड तरीके से सताएंगे दोस्तों, जैसे नॉर्मल इंडियन कैट रहती है वैसे बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ना उनका जो है टॉयलेट का टेंशन आता है, ना किसी का भी टेंशन नहीं दोस्तों। इसीलिए जो है किंग्स लोग खास करके पहले जो है इसे रखते थे। अब जो है ये कैट को जो है सब लोग रखना शौकीन बन चुके हैं दोस्तों, इसके जो है बहुत ज़्यादा शौकीन भी बन चुके हैं, और जो है इसका जो है प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है एज़ कम्पेयर टू पहले दोस्तों। पहले जो है रिच लोग के घर में उतना ही पर्शियन कैट जो है मिलती थी दोस्तों, अब जो है सब लोग जो है इसको रखना चालू करे हैं। थोड़े लोग तो इसका बिजनेस ही स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों, बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं बिजनेस करके दोस्तों, जैसे मैं करता हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से जो है आपको मैं चलिए उसको दिखाता हूँ, उसका नेचर कैसा रहता है, किस तरीके से खेलती है। ये देखिए जैसे कि ये यहाँ पर है, ये जो है यहाँ से बाहर देख रही है दोस्तों, इसको जो है ये क्या कर रहे हैं वीडियो शूटिंग का इसको पता नहीं है दोस्तों। इसको आदत रहती थी तो इस तरीके से नहीं करती, ये जैसे ट्रेन करेंगे उस तरीके से होते हैं दोस्तों। सिट डाउन बोले तो बैठ जाएंगे, उठने बोलेंगे तो उठ जाएंगे। ये थोड़ा कंफ्यूज होकर देख रही है क्या कर रहे हैं बोल के दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी जो है डॉल फेस है दोस्तों। इसका सभी ब्रीडिंग जो है दोस्तों इटाली के अंदर हो गया है दोस्तों। 16th century के बाद जो भी पंच फेस जो अब कैट मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सब दोस्तों जो है 16th century के बाद जो है मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये जो ज़्यादा कुछ सताएगी नहीं, इसको थोड़ा हैंड घुमाएंगे इसके बालों के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा खुश होने लगेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो है इसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है ये जो है बहुत स्वीट एंड स्वीट मस्त रहती है। ये मेरी वाइट कलर है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कलर्स में, ये देखिए कितने खुशी सी जो है ये खुश हो रही है, इसको बहुत पसंद है दोस्तों। और ज़्यादा छिड़ती नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं कि नक लगा दी या कुछ भी कर दी, बहुत बहुत इससे जो है बहुत ज़्यादा आपको इंटरटेनमेंट होता है दोस्तों। आप इससे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, बहुत इसको रखिए और कुछ भी तकलीफ़ नहीं देती दोस्तों, जैसे कि ये मारेगी करेगी नहीं दोस्तों। स्टैंडर्ड तरीके से आपको सताना हो तो भी स्टैंडर्ड तरीके से सताएगी। और जो है इसकी अवेलेबिलिटी, जैसे ये कि फ़ीमेल है मेरे पास दोस्तों, इसके बच्चे होने के बाद भी मैं सेल करके खुद अच्छे पैसे कमा लेता हूँ दोस्तों। इसका कितना मंथली खर्चा आता है, मतलब बोले तो दोस्तों जो है एक 3 month के अंदर दोस्तों एक 1500 का खाना खा लेती है, यानी कि मंथ को एक 400 से 500 तक इसका खर्चा आता है दोस्तों। और जो है बच्चे हो जाने के बाद तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है दोस्तों। एक किटन जो है इसका एक बच्चा जो है दोस्तों 7000, 5000, 6000, 7000 को जाता है दोस्तों, यानी कि मंथ में एक 30-35000 जो है आराम से मिल जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों,
जैसे कि मैंने इनकी जो है अब जो है आपको दिखाया दोस्तों, अब इनका जो है खाना भी डिफरेंट रहता है दोस्तों। पर्शियन कैट का फूड जो है टोटली डिफरेंट रहता है दोस्तों, उसको सिर्फ उसका फूड देने का और पानी देने का दोस्तों, वो घर का मिल्क जो है उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है दोस्तों, उनको जो है उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। लोग बोलते हैं कैट है तो दूध ज़रूर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। पर्शियन कैट को जो है हेल्थ के लिए दोस्तों दूध जो है मिल्क जो है बिल्कुल सही नहीं है, उसका कैट का फूड आता है वो कैट फूड देने का दोस्तों, और जो है पानी देने का। और तो आपको कैट फूड में भी बहुत सारे वैरायटीज आते हैं दोस्तों, जितने महंगे का अच्छे क्वालिटी का आप खिलाओगे उतनी अच्छी आपकी कैट की ग्रोथ होगी दोस्तों। उसमें जो है बहुत सारे कलर्स भी आ रहे हैं दोस्तों, अब जो है आपको जो कलर चाहिए वो कलर मिल जाएगा। ये सब जो है इटाली के अंदर हुआ दोस्तों, जैसे कि वाइट, ऑरेंज, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर, सब कलर दोस्तों आपको जैसा जो कलर चाहिए दोस्तों अब जो है आराम से इंडिया के अंदर अवेलेबल हो रहे हैं दोस्तों। और जो है ये देखिए दोस्तों, ये जो है 7 kg का मैं पैक ला के एक बार रख देता हूँ दोस्तों, 1 kg फ्री आता है दोस्तों। इसमें जो है एंटी हेयर फॉल लाता हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि उसके बाल जो है नहीं निकलते दोस्तों। और ये म्याओं का फूड दोस्तों उसके लिए बहुत बेहतरीन है दोस्तों, इसीलिए उसको बचपन से यही देता हूँ दोस्तों, उसका फूड भी चेंज नहीं करता हूँ दोस्तों। जो भी किटन होते हैं उसको भी यही देता हूँ दोस्तों, और जो है उसका मिल्क देता हूँ। ये जो है इस तरीके से जो दोस्तों इसका जो है मंथली जो है इसमें का जो है ये तो 1500 का आता है दोस्तों, 8 kg एक 500 rupees मंथली उसका खर्चा रहता है दोस्तों। उसका आपको जो है मंथली जो है मैं जैसे कि बताया आपको इतना खर्चा रहता है। और जो है उसका शैम्पू अलग आता है दोस्तों, उसका जो है उसके लिए कंगई यानी कि जो आपको हेयर करने के लिए उसके ठीक जो है वो एक कॉम जो रहती है दोस्तों वो उसकी अलग आती है दोस्तों। और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है उसकी कॉम है दोस्तों, ये जो है कैट के लिए होती है दोस्तों, उसके बाल के ऊपर इस तरीके से करना है दोस्तों। करने के बाद जो है इसके बाल इसमें से निकाल के देखते हैं, इससे क्या होता है उसके बाल जो है घर पर पूरे घर में इधर उधर गिरना स्टार्ट नहीं होंगे दोस्तों, और एंटी हेयरफॉली फूड इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मैंने दिखाया आपको उसकी कंगे अलग होती है, उसका मेंटेनेंस भी रहता है दोस्तों, उसे मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। पहले जो है सिर्फ रिच लोग यानी कि किंग लोग के पास रहता था, उसके बाद में रिच लोग इसे रखते थे दोस्तों। अब जो है थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है और थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है दोस्तों, इसीलिए जो है उसे सब रखने के लिए शौकीन हो चुके हैं दोस्तों। वो जो है बहुत ज़्यादा इंटरटेन करती है दोस्तों, आपके साथ खेलने लगेगी, आपको अकेलापन महसूस होने नहीं देगी दोस्तों। जैसे कि किसी के कोई अकेले रहते हैं घर पर तो वो जो है पर्शियन कैट पाल लेंगे तो वो बहुत खुश रहेंगे दोस्तों, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ मजे करते हैं आराम से दोस्तों, वो खेलते रहती है दोस्तों, ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं करती, बहुत बहुत एकदम स्टैंडर्ड तरीके से वो आपके घर में रहेगी दोस्तों, जैसे कि घर का एक सदस्य ही हो वैसे उस तरीके से रहेगी। और जो है आप जो है इस तरीके से इसे पाल कर जो है आराम से मज़े भरपूर भरपूर मज़े उठा सकते हैं दोस्तों। और जो है मैं इसके बारे में क्या बताने वाला था दोस्तों, मेरे पास जो है पर्शियन कैट मिलते हैं दोस्तों, आपको चाहिए तो मेरा नीचे नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में टॉप पर नंबर होगा, आप मेरे को बिंदास कॉल कीजिए दोस्तों, मैं आपको जो है पर्शियन कैट जो भी अवेलेबल होगी व्हाट्सअप के ऊपर फोटोज़ भेजूँगा, वीडियोज़ भेजूँगा, आप देख कर जो पसंद आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं मेरे पास से जो है, मैं इसी की कैट की डीलिंग करता हूं दोस्तों। और जो है आपको इसके अलावा भी कुछ भी जानकारी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मैं सब कुछ बता दूंगा। और क्या है दोस्तों उसके लिए जो है उनका जो है एक केज लेना पड़ता है, यानी कि आपको चाहिए तो ले लीजिए नहीं तो मत लीजिए दोस्तों, केज लेना पड़ता है, मैं दिखाऊंगा वो केज भी आपको दोस्तों। और जो है मैं क्या बोल रहा था जो है उन्हें सबसे बड़ी बात दोस्तों, पर्शियन कैट को घर से बाहर जाने नहीं देना दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल इंडियन कैट घर के बाहर घूमती रहती है, आपको उसे घुमाना है तो एक बेल्ट लाना है, उसे बांध के जो है खुद उसको वॉक करा के लाना है दोस्तों, नहीं तो उसे बाहर जो है लोग जो है पर्शियन कैट को बाहर देखेंगे तो उसे चोरी करके लेके जाएंगे, रॉबर करके लेके जाएंगे, उसे उठा के लेके जाएंगे दोस्तों। वो जो है दिखने में बहुत स्टैंडर्ड दिखती है, इसीलिए जो है लोगों को पता भी है उसकी रेट ज़्यादा है प्राइस ज़्यादा है, तो लोग जो है उसे उठा के लेके चले जाते हैं दोस्तों, इसीलिए जो है उसे घर से बाहर जाने भी मत दीजिए दोस्तों, उसे बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। और उसकी खासियत भी रहती है दोस्तों, वो घर से बाहर जाती भी नहीं दोस्तों, उसे ट्रेन किए तो, और वो जैसे ट्रेन करेंगे दोस्तों जहाँ पे टॉयलेट करना है वहीं जाके करेगी, एक 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 लेटर ला के रख दिए तो उसके अंदर ही करेगी, नहीं तो आपको टॉयलेट में जाने का, आप अदर डालोगे तो टॉयलेट में जाने का करेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि किधर भी नॉर्मल इंडियन कैट के जैसे इधर उधर कर दी दोस्तों, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से रहती है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों रिच लोग जो है नॉर्मल इंडियन कैट कभी नहीं लेते, वो जो है पर्शियन कैट ही लेते हैं दोस्तों। अब जो है इसका प्राइस बहुत कम हो चुका है कंपेयर टू पहले दोस्तों, पहले जो है प्राइस बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जो है अब जो है इसे लोग जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा दोस्तों, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है उसका प्राइस कम होता है दोस्तों, तो इसीलिए लोग जो है उसे जो है लेना अब जो है स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, ये जो है इसका केज है दोस्तों, इसे बंद बंद कर दिए तो ये अंदर रहती है। इसी को ज़्यादातर तो जो है अंदर नहीं रखते है दोस्तों, क्योंकि ये अंदर नहीं बढ़ती दोस्तों ज़्यादा, और लेकिन जो है इसको भी आदत है दोस्तों अंदर आके सो जाने की दोस्तों। इसका एक घर जैसे जो है ये हो चुका है दोस्तों, इसके अंदर आके आराम से बैठ जाती है दोस्तों। इसको ज़्यादा आदत नहीं है दोस्तों गोद में आने की, बैठने की दोस्तों, इसको हमने ऐसा ट्रेन नहीं किया ये जो है, लेकिन इसको खिलाते पिलाते खिलाते रहते हैं दोस्तों, ये खेलते रहती है दोस्तों। ये जो है वीडियो काट रहा हूँ, क्या हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ करके वो टेंशन में आ चुकी है, इसीलिए जो है उसको लग रहा है कि मैं उसको कुछ कर दूंगा, इसीलिए वो जो है इतना टेंशन में आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसके अलावा भी कुछ भी सवाल हो तो नीचे बिंदास कमेंट कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।